गरियाबंद पुलिस ने रिजर्व क्षेत्र से तोते की तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से वन विभाग ने 21 तोते के बच्चों को भी बरामद किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तोता तस्कर 49 वर्षीय वरुण मंडल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह कुल्हाड़ी घाट जंगल क्षेत्र से तोते के बच्चों को पकड़कर तस्करी कर रहा था। मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कुल्हाड़ी घाट वन परिक्षेत्र का है। कांकेर जिला कोतवाली थाना पुलिस ने 9 जनवरी को प्रार्थी सलमान खान के घर से सामने पेड़ के नीचे खड़ी बाइक चोरी करने वाले आरोपी सूरज देवांगन उर्फ टोटो उर्फ संतोष को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर चोरी की बाइक को बरामद कर लिया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के शुभम के मार्ट के पास स्थित कबाड़ी दुकान में ब्लास्ट हो गया। इस घटना में 10 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए एम्स भेजा गया है। घटना के बाद से कबाड़ी संचालक फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि अभी ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रायपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटा गांव स्थित नया बस स्टैंड के पास से बैग में गांजा रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे एक महिला बुधिया बाई व एक पुरुष शिव शंभू झारिया को पकड़कर उनके बैग से 30,000 रुपए कीमत का 3 किलो गांजा जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर से रायपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 आसना चौक के पास एक बाइक सवार को आसना की ओर से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मेकाउज में रखवा दिया है। जांजगीर चांपा जिले की राजस्व विभाग खनिज विभाग व पुलिस ने रेत घाट में छापामार कार्रवाई की है। देवरघटा गांव के रेत घाट में 6 हाईवा, 1 चैन माउंटेन मशीन, 15 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। चैन माउंटेन को सील किया गया है। कमरीत के ग्रामीणों ने कई बार अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायत की थी जिसके बाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गयी। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरबुंदिया के पास बाइक सवार 3 युवक हादसे का शिकार हो गए। सरगम बुंदिया निवासी निर्मल साहू, सुकुवर सिंह और अजय सिंह सिदार तीनों बाइक पर सवार होकर किसी काम से कोरबा के तरफ जा रहे थे। कोरबा चापा मुख्य मार्ग के सरग बुंदिया के पास अचानक सड़क पर सुअर आ गया जिससे टकरा कर बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के सुने मकान में चोरी का केस दर्ज कराने पहुंचे युवक ने पुलिस वाले से दुर्व्यवहार करते हुए गाली गलौज किया। युवक का कसूर ये था कि उसने चोरी की गई संपत्ति की सही कीमत दर्ज करने की गुजारिश की। इससे नाराज होकर थाने के मुंशी ने उसे धमकाते हुए कहा, हम तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और ऊपर से बात ज्यादा कर रहे हो, तुम जाओ, यहाँ शिकायत करना है कर दो। राजधानी रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गो गांव स्थित पाई टंकी के पास अपने पास रखे गांजा को बेचने की कोशिश कर रही महिला भुवनेश्वरी धीवर को पकड़कर उसके पास से 30,000 रुपए की कीमत का 3 किलो गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। राजधानी की महिला थाना पुलिस ने 0 में अपराध दर्ज कर मामला जांजगीर भेज दिया है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता सरगुजा जिले की रहने वाली है और जांजगीर चांपा में जॉब करती है। उसी दौरान उसकी पहचान पलाश चंदेल से हुई। पलाश चंदेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद शादी करने से मुकर गया। कांकेर शहर के शासकीय शराब दुकान में 3 नशेड़ी युवकों ने पहले तो चाकू की नोक पर शराब लूटी, फिर भवानी चौक पर वहां से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। नशेड़ियों ने 4 युवकों पर चाकू और बियर की बोतल से हमला कर दिया। इनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर की डीडी नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भिलाई की ओर से रायपुरा की जा रही 3 लग्जरी कारों को नाकेबंदी कर रोककर जांच कर दोनों कारों से कुलदीप सिंह, सोनू सिंह, दीपांकर मजुमदार एवं
लक्की सिंह को पकड़कर पूछताछ कर कार से 7 किलो गांजा व दोनों कारों जुमला कीमत 10,70,000 को जब्त कर लिया है। भारतीय टीम दूसरे वनडे के लिए रायपुर पहुंच चुकी है। वहीं भारतीय खिलाड़ी दूसरे वनडे मुकाबले के लिए काफी उत्साहित भी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ये मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कबीर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनडूंगरी स्थित कान्हा ढाबा पास गांजा बिक्री कर रहे रोशन वर्मा, रोशन राय एवं महावीर पांडे व एक नाबालिग को पकड़कर उनके कब्जे से 4 किलो 700 ग्राम गांजा, घटना में उपयुक्त एक नग दोपहिया वाहन और घटना संबंधित 4 नग मोबाइल फोन तथा बिक्री रकम 2600 रुपए जुमला कीमत लगभग 1,00,000 रुपए जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के नमदगिरी छठ घाट के पास वृक्षारोपण कार्य में पंचायत द्वारा जाली तार व खंभा लगवाया गया था, जहां से एक बंडल तार को चोरी कर मोटरसाइकिल से ले जाने वाले दो आरोपियों गोविंद यादव व विनय देवांगन को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़कर चोरी का तार बंडल व चोरी में उपयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है। बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी जगसाय नागवंशी को डरा धमका कर 6,00,000 की ठगी करने वाले 3 आरोपियों सलमान, जुमराती खान और असलम को सीतापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी समेत ठगी के पैसों से खरीदी गई बाइक एवं मोबाइल फोन और जेसीबी मशीन को बरामद किया है। फिलहाल ठगी के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। महासमुंद जिले के बसना नगर में गौरव मेजर गगनदीप सिंह भाटिया का गुरुवार को सैनिक सम्मान के साथ नगर में अंतिम विदाई दी गई। इसके लिए रायपुर से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से अधिकारियों के नेतृत्व में सेना की टीम बसना पहुंची थी। विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद कैप्टन अनुराग तिवारी ने माता पिता को तिरंगा ध्वज सौंपा। हम बता दें कि 18 जनवरी को झारखंड के रांची में एक सड़क दुर्घटना में मेजर गगनदीप सिंह का निधन हो गया था। राजधानी रायपुर के राजा तालाब क्षेत्र में पतंग उड़ाने के बहाने पड़ोसी के घर पर मौका मिलते ही चोरी करने के मामले में एक घटना का खुलासा हुआ है। घर की अलमारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार करने वाले 3 युवकों विजय सालवे, राहुल चंदा बहेस और एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3,00,000 रुपए कीमत का एक सोने का नेकलेस, एक झुमका, 2 अंगूठी, 3 मोबाइल फोन समेत अन्य सामानों को जब्त किया गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर अनुभाग अंतर्गत ग्राम मरका डाट के धजागिर में राजस्व की जमीन पर एक्सीवेटर से अवैध कोयला उत्खनन करते राजपुर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। एक्सीवेटर को जब्त कर लिया गया है। मजदूरों ने बताया कि कोयले की चोरी करने एक बस के संचालक द्वारा उन्हें भेजा गया था। अंबिकापुर में शुरू हो रहे भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिलासपुर से अंबिकापुर जा रहे थे, तभी रात्रि करीब 12:30 बजे सरगुजा के उदयपुर के पास साव के काफिले की पायलट गाड़ी अनकंट्रोल होकर बुरी तरह पलटी खा गई। इस दुर्घटना में एक कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 आरक्षक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्राफ नगर चौकी पुलिस ने 14 जनवरी को पिकनिक पर गए युवक की लाश कुएं में मिलने का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक कुलदीप खैखवार ग्राम कोठी की युवती से प्रेम करता था। घटना दिनांक की रात वह शराब पीने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ उसके घर में सो गया था, जिसे आरोपी घनश्याम गोड़ ने देख लिया और अपने अन्य साथियों रवि, विजय, हरि खैखवार, राम सिंह गोड़, जैतून धुर्वे और जीतलाल गोड़ के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया था। नशीली दवाओं की बिक्री करने वाला युवक और मेडिकल संचालक को जहांगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 21 नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से 155 नग नशीली दवाई,
एल्फ्राजोलम टेबलेट जब्त की गई है। मेडिकल संचालक के लाइसेंस निस्तरीकरण की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी जांजगीर को भेजेगी। SECL विश्रामपुर के बंद पड़े OCM खदान में बीती रात क्षेत्र में सक्रिय कबाड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। वहां कार्यरत कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों को धमकाते हुए 2 लाख से अधिक का लोहे के कलपुर्जे और सामान लेकर भाग गए। इस दौरान बदमाशों ने मैनेजर कार्यालय का दरवाजा तोड़कर ओलरी कर्मियों के दस्तावेजों को आग के हवाले भी कर दिया।